रस मलाई बनाने के लिए पहले हम रसगुल्ला बनाएंगे। रसगुल्ला के लिए हम पहले 1 लीटर दूध को गर्म करने के लिए रखेंगे। दूध हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। दूध में एक बॉईल आ गया है। अब हम गैस ऑफ करते हैं और 5 मिनट ठंडा करेंगे। उसके बाद उसका छेना बनाएंगे। अभी हम दूध में साइट्रिक एसिड वाला पानी मिला के छेना बनाएंगे। 1/2 टीस्पून साइट्रिक एसिड लिया है और 1/2 कप गरम पानी में मिक्स कर लिया है। यह हम उसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे। साइट्रिक एसिड वाला पानी थोड़ा थोड़ा डाल के थोड़ा थोड़ा इसे इस तरह से चलाना है। आप देख सकते हैं कि दूध फट रहा है। जब दूध पूरी तरह से इस तरह से कर्डल हो जाए तो पानी डालना बंद कर देना है। आप देख सकते हैं हमारा दूध अभी कर्डल हो गया है, छेना बन गया है। इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे, ठंडा पानी डालना है। ताकि पनीर जो बने वो ज्यादा हार्ड नहीं हो जाए, सॉफ्ट रहे पनीर। छेना हमारा रेडी है। अब हम उसे स्ट्रेन कर लेंगे। एक स्ट्रेनर लेंगे हम, उसपे एक मलमल का कपड़ा रखेंगे, उसके अंदर हम निकाल लेंगे ये। छेना को हमें पानी डाल के धो लेना है, अच्छे से पानी डाल के धो लेना है ताकि हमने जो साइट्रिक एसिड डाला था वो निकल जाए। कपड़े में बांध के इसे 30 मिनट के लिए इस तरह से कहीं रख देना है ताकि उसका मॉइस्चर थोड़ा निकल जाए। दूध में एक बॉईल आ गया है। 1/4 टीस्पून मैंने केसर लिया है, उसमें हम थोड़ा सा दूध डाल के उसके सॉक कर लेंगे। इसमें हम कंडेंस मिल्क डालेंगे। 150 ग्राम कंडेंस मिल्क डालेंगे हम। मिक्स कर लेंगे। 3 कप दूध डाला है, उसमें हम 1 कप दूध को रिड्यूस होने देंगे। स्लो आंच पे रबड़ी को हम बनाएंगे। छेना को हमने 30 मिनट्स बांध के रखा था, अभी हम उसे निकाल लेंगे और उसे इस तरह से मसल लेंगे और स्मूथ बना लेंगे। जब तक स्मूथ नहीं हो जाए तब तक इस तरह से उसे मसलते रहना है। हम शुगर सिरप अभी बनाने के लिए रख देंगे। उसके लिए हम 1 कप साकर शुगर लेंगे। इसमें हम
5 कप पानी डालेंगे। रसगुल्ले के लिए हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे इस तरह से, थोड़ा फ्लैट। शुगर सिरप हमारा अभी उबलने लगा है, उसमें हम ये रसगुल्ला डाल देंगे। रसगुल्ला बनाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन ही लेना है। छोटे छोटे हमने 20 रसगुल्ले बनाए हैं। ढक्कन लगा के हम तेज आंच पे ही उसे कुक करेंगे। हमारी रबड़ी जो बन रही है उसमें हम ये केसर जो हमने दूध में भिगोया था वो डाल देंगे। रसगुल्ले को 5 मिनट हो गए हैं कुक होते हुए, उसे हम इस तरह से ही ढक्कन बंद होते ही उसको स्टर करना है, इस तरह से गोल गोल घुमा के वापस कुक होने के लिए रख देंगे। याद रखें ढक्कन खोलना नहीं है, नहीं तो स्टीम बाहर निकल जाएगी और रसगुल्ला एक इतना स्पंजी नहीं बनेगा। 15 मिनट्स बॉईल करना है, उसमें हमें 3 बार इस तरह से उठा के स्टर करना है। और याद रखे रसगुल्ला हमेशा तेज आंच पे ही कुक करना है। रसगुल्ला को कुक करते हुए 15 मिनट हो गए हैं, वापस एक बार स्टर कर लेंगे और हम गैस ऑफ करते हैं। अभी हम देख लेते हैं, रसगुल्ला रेडी है। इसमें हम थोड़ा ठंडा पानी डाल देंगे। रबड़ी भी हमारी रेडी हो गई है, उसमें हम 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। हमने पैन में निकाल लिया है रसगुल्ला, 10 मिनट ठंडा करेंगे उसे। रसगुल्ला को हमने 10 मिनट ठंडा कर लिया है, इसे इस तरह से हाथ से दबा लेना है, थोड़ा दबा के सिरप निकालना है और एक प्लेट में रखेंगे। इस तरह से मैंने सारे रसगुल्ले सिरप पे से निकाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हम रबड़ी पोर करेंगे। इसके ऊपर हम बादाम पिस्ता की कतरन डालेंगे। इसे फ्रीज में हमने 2 घंटे तक रेस्ट देना है, अच्छे से ठंडा हो जाए, उसके बाद रसगुल्ला वापस वो फूक जाएगा और अच्छी रसमलाई हो जाएगी, तब वापस हम आपको दिखाएंगे कि रसमलाई कैसी बनी है।